ओम शांति। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर हम सब अपने लिए विशेष वरदान लेंगे, परम सतगुरु के वरद हस्त को स्वयं पर अनुभव करते चिंतन करेंगे। मैं सहज योगी हूँ। सहज योगी वही है जो सहज रूप से याद में रह सकता है, चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा याद रहे। सहज योग की स्थिति उनकी ही हो सकती है जो अपनी जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को दे देते हैं। आज हम अपनी जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को समर्पित करते हुए क्या क्योंकि प्रश्नों से परे फुल स्टॉप की स्थिति में रहेंगे। बाबा और ड्रामा, ये दो शब्द बहुत मदद करते हैं। जितना फुल स्टॉप लगाएंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। आज बाबा ने योग बल जमा करने की बात विशेष रूप से कही है। लंबे काल तक जब आप बाबा की याद का अभ्यास करते हैं तो वो शक्ति के रूप में काम करता है। इस योग बल से विकर्मा जीत बनना है। इसी समय बाबा ने कहा, तुम बच्चे याद में रहने का पुरुषार्थ करते हो, प्यारे से प्यारी वस्तु एक बाप है। याद करो या न करो, आपकी मर्जी है। याद करने से ही शक्तिशाली बनेंगे, माया जीत बनेंगे, विकर्मा जीत बनेंगे। बाबा ने कहा, याद करते हुए विघ्नों का भी सामना करना पड़ता है। आपको विघ्नों से घबराना नहीं, डरना नहीं। जो बीता सो ड्रामा, कल्प पहले भी जो विघ्न आए थे अब भी आने ही हैं। आपका काम है बाबा को प्यार से याद करना, जो भी मिले उनको बाबा का संदेश देना। बाबा ने कहा, हर एक को बाबा का परिचय देना है कि बाप को याद करो, एक लौकिक पिता और एक पारलौकिक पिता। सीधा ही किसी को कहेंगे भगवान आया है तो उनको समझ में नहीं आएगा। आप उनको इस तरह से परिचय दें कि अब पारलौकिक पिता हम सबको स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा, जब आप दूसरों को संदेश देते हो तो अनेकों का कल्याण होता जाता है। बाबा आए ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। जब आप किसी को समझाते हो तो कोई 7 दिन सुन के भी ऐसा कह देते हैं कि समझ में नहीं आया। बाबा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, प्रजा तो बन ही गई ना, धीरे धीरे प्रजा बनती जाएगी, बाकी राजा बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। आज हम सब चलते फिरते अभ्यास करेंगे। मैं सहज योगी हूँ। बाबा को सब बोझ देकर लाइट अनुभव करेंगे, डबल लाइट स्थिति में रहेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 25/2/21 के मधुर महावाक्य। आज बृहस्पतिवार सतगुरु बाबा हमें आज के मधुर महावाक्यों में वरदान देते हैं कि बच्चे विकर्मा जीत भव, खुदाई खिदमतगार भव। क्योंकि आज का वरदान हमारे जीवन को सफल करने वाला है। आज भोग का दिन भी है, हम प्यारे बाबा को बहुत प्यार से भोग लगाकर फिर वो स्वयं भी खाएंगे, सारे परिवार को भी खिलाएंगे, उनको शक्ति मिलेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बाद से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। कई बच्चे समझते अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर देंगे, परंतु मौत का कोई नियम थोड़ी है। कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गलब कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने,
पतितों को पान बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीता ओम नमो शिवाय ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार बाप साकार बगैर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देहधारी का सहारा तो चाहिए, कैसे आत्मा बोलेगी, पाठ बजा नहीं सकते। तो रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बस से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। पहले योग बस से इस समय सतो प्रधान बनना है, फिर सतयुग में विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कलब कलब बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ज्ञानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदल कर पतित शूद्र बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। ये सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं, इससे ऊंचा कोई है नहीं। 5000 वर्ष के से ऊंचा कुछ है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कलब वृक्ष कहते हैं उसके आदमदंत का राजी बाप बता सकते हैं। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो अब प्राय लोप है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं, देवताओं के चित्र जरूर रहे, यादगार चित्र तो हमारे सामने हैं श्री लक्ष्मी नारायण के, देवी देवताओं के, ये तो भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में जो भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए, वास्तव में तो श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, लेकिन भूल करके द्वापर में ले गए। तो बाप आकर भूले हुए को सत्य मार्ग दिखाते हैं। रास्ता बताने वाला एक शिव बाबा है, वो सब आत्माओं को मुक्ति धाम का भी रास्ता बताते, इसलिए उनको कहा जाता सर्व का सदगति दाता। रचता एक होता है, सृष्टि एक है, वर्ड की सृजोग्राफी एक है, वह रिपीट होती रहती है बार बार, हर 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होती है। सतयुग बीता, त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो ज़रूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश से पहले नई दुनिया की स्थापना होनी है। सतयुग में तो स्थापना होगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो वर्षा है इस समय के पुरुषार्थ का। भगवान आएगा तब जब पति दुनिया है। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया, पति दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब आप सहते सहज युक्ति बताते हैं पावन बनने की, सहते सहज युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना, जो हमें आकर पतितों को पावन बनाते हैं। भक्तों को फल देने वाला एक शिव बाबा है, भक्तों को ज्ञान देते हैं। पति दुनिया में आकर ज्ञान सागर बाप आते हैं, आकर पावन बनाते हैं। पावन बनते हैं योग से। तो बाप कहते ये ज्ञान खुद भी समझना है, औरों को भी समझाना है कि पति से पावन बनते हैं योग से, पर युक्ति से समझाना होता है। बोलो वो बाप है, एक है लौकिक बाप, दूसरा परलौकिक बाप। दुख के समय परलौकिक बाप को ही याद करते हैं, सुख धाम में तो कोई याद करता नहीं। सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी थी। बाप का वर्षा मिल गया फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है कि हमको सुख है। ये तो कोई भी कहेंगे कि वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि रची नहीं, ये तो बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है वह तो 2-4 जन्म लेते तो ज़रूर बाकी समय वो शांति धाम में रहते हैं। बाकी ड्रामा के खेल से कोई निकल नहीं सकता, खेल में तो सबको आना होगा।
एक दो जन्म मिलते हैं, बाकी समय जैसे कि शांति दा मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है, कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ तो कोई को कम। इस समय के पुरुषार्थ के अनुसार कोई को ऊंच पाद है, कोई को कम। ये भी अभी तुम बच्चे जानते हो, गाया जाता कि ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते, तो बाप आकर अपना सारा अंत देते हैं कि मैं सृष्टि पर आकर कैसे हम तुम बच्चों को पति से पान बनाता हूँ। रचता और रचना के आद्वधंत का ज्ञान देते हैं। जब तक रचना रचता खुद ना आए, तब तक रचता और रचना को कुछ जान ही नहीं सकता। तो बाप आकर बताते हैं कि मीठे बच्चे, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते, उनको बैठकर भी 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज हो नहीं सकती, ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है, कोई के पार्ट में चेंज हो नहीं सकती, क्योंकि ये बना बनाया खेल है। किसी की बुद्धि में ये बैठता ही नहीं। अच्छी रीति समझने के लिए बाबा कहते हैं 7 रोज़ की भट्ठी चाहिए, जिसे हम 7 दिन का कोर्स कहते हैं। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं, यहाँ भी समझ में आता है कम से कम 7 दिन के सिवाय इन सारी बातों को कोई समझ ना सके। कोई कोई तो अच्छा समय लेते और कोई 7 रोज़ में भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं, तो फिर कहा जाता कि इस धर्म का नहीं है। अच्छा फिर भी बाबा कहते, बाबा तो बहुत कल्याणकारी है, फिर भी कहते अच्छा उनका कल्याण तो हुआ, आए तो सही, बैठा तो सही। प्रजा में ऐसे बनती है, बाकी राज भाग लेने के लिए तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अब तुम्हारी मर्जी, करो ना करो, बाप तो हमें सावधान करते हैं, शिक्षा देते हैं, बाबा कहते हैं करो ना करो तुम्हारी मर्जी, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना, बाबा कितना प्यारा है, हमें प्यार से शिक्षा देकर कितना ऊंचा बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे प्यारे बाप को तो याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं हे पतित पावनाओ, अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो। बादशाही सह थोड़ी मिल सकती है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। याद में मेहनत है, मुख्य है याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। योग बस से ही विकर्मा जीत बनना है, के भी योग बस से विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बिने, जब कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो बाबा साफ कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान का एपिसोड फिर से रिपीट हो रहा है। जो बाबा ने आज से 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था वो या फिर रिपीट हो रहा है। शिव भगवान उवाच, भूले तो होती रहती हैं, फिर बाप आकर हमें अबुल बनाते हैं। तो बाबा कहते जिन्हों को कहा था पुरुषार्थ किया, उन्होंने ऊंच पद पाया, फिर 21 जन्मों की प्रारब्ध है। जब हम प्रारब्ध पाते हैं तो ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी, इतनी फैमिली नहीं थी। भारत में आज देखो कितनी फैमिली है, कोई गुजराती फैमिली, कोई महाराष्ट्र फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक ही फैमिली होनी चाहिए। फैमिली ज़्यादा होंगी तो ज़रूर आपस में खिटपिट होती रहेगी, फिर सिविल वार हो जाती। तो बाबा कहते आज देखो कितनी आपस में लड़ाई है, देखो भाई भाई आपस में लड़ते हैं। सिख धर्म वालों को जास्ती सुख देने की रग जाती है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। जब अंत होती है तो लड़ते लड़ते फिर सिविल वार हो जाती है। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तब 2 बम छोड़े थे, अभी तो ढेर बम बनाए। ये समझ की बात है, तुमको समझना है
कि ये वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद ना किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी, पर बाबा कहते आग तो लगनी है, ये तुम जानते हो कि इस समय बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, राजयोग है संग सतयुग का, वह देवी देवता धर्म जब प्राय लोप है, अब उनके चित्र हैं। बाप कहते कल पहले माफिक भी जो विघ्न पढ़ने होंगे वह पढ़ेंगे। ये ड्रामा बना बनाया है, हम सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं चाहिए, इसको परीक्षा कहा जाता है। विघ्न आना माना परीक्षा, इसको परीक्षा कहा जाता है। जो याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते थक जाते हैं। गीत है ना कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ भी कोई समझ ना सके, ये है याद की यात्रा। बाबा कहते यात्रा करते करते कभी थकना नहीं, सुबह की मंजिल दुनिया था सतयुग आने वाला है, जिससे रात पूरी हो दिन आएगा, आज कल पूरा हो फिर सुख शांति शुरू हो जाएगी। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया, सिर्फ गलती जो गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही। अब कल्याण तो सबका होना है, गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे करना है, भारत खास दुनिया आम सबका श्री मत पर कल्याण होना है। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा, जो अपना कल्याण कर दूसरों का कल्याण करेंगे तो वर्षा उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। अब तुमको समझाया जाता है, ये तो बेहद का बाप है, बाप से वर्षा मिला था, भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई तो समझते नहीं कि गीता वही टीकाएँ अनेक लिख दी, गीता से ही भागवत बड़ा कर दिया। अब गीता में तो अज्ञान, भागवत में जीवन कहानी, वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर है शिव बाबा, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधे घंटे पढ़ लेते हैं, अब तुम ये ज्ञान सुनते हो दिन प्रतिदिन, तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, माने ज्ञान सुनने के लिए अनेक आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं फिर तो देरी न लगे विनाश को, झटवार निकल जाए। इसे युक्ति से ड्रामा धीरे धीरे चलता है। ये है गुप्त ज्ञान, किसी को पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। भगवान उवाच, तुम ही सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, इसके लिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तभी तो मैं साथ ले जाऊं, जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति माना रावण राज्य से मुक्ति। तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारी श्रेष्ठाचार्य दुनिया स्थापन करेंगे, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले माफिक। क्या हम शिव शक्तियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी श्रेष्ठाचार्य दुनिया की स्थापना करेंगे, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर। 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचार्य दुनिया थी, ये बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। मुख्य मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि हैं, कोई बात समझते नहीं, क्या सोचते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ करेंगे। परंतु बाबा कहते मौत का नियम थोड़ी है, अगर कल कल करते मरते मर गए तो पुरुषार्थ नहीं किया तो हमारी गति क्या होगी। जो सोचते हैं बहुत समय पड़ा है, पिछाड़ी में गैलब कर लेंगे, ये ख्याल आना माना गिरती कला। बाबा कहते जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, श्रीमत पर हरेक को अपना कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है कि कितना मैं बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ।
रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो, बाप के साथ सेवा में मददगार तुम हो, तुम रूहों को सैलेज करते हो। रूह ही पति से पावन कैसे बने उसकी युक्तियाँ बताते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियाँ गिनी जाती हैं, माना जो कल्प वृक्ष है उसमें मुख्य धर्म पिता, बाकी तो पति अनेक हैं। बाप समझाते रहते बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप प्रतिदिन नई नई पॉइंट सुनाकर हमारा जीवन कितना ऊंच बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे कि याद की यात्रा कभी ठहर न जाए, माना रुक न जाए, सदा याद करते रहना है। विघ्न तो आते हैं हमारे को पेपर, हमने पेपर को पास करना है। दूसरा, परलौकी बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। अब आज का वरदान, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भाव। जब हम बुद्धि के सब जिम्मेवारियाँ बुद्धि से बाप के हवाले करते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भाव। जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेदारी का संकल्प लेते हैं उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ वो बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज़्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है दिल और दिमाग में उन्नत रहो तो बाप का व परिवार के विश्वास के पात्र बन जाएंगे। दिल और दिमाग में उन्नत रहो, ईमानदार रहो तो बाप व परिवार के विश्वास के पात्र बन जाएंगे। आज का सम्मान है मैं बाप का विश्वास पात्र आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे बाप पर विश्वास, बाप का मेरे पर ऐसा विश्वास हो जो मैं बाबा के साथ सच्चाई सफाई से चलूं। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।